गत 14 वर्षों से संचालित सेवार्थ संस्था सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था जयपुर के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कंबल सेवा समारोह के अंतर्गत 101 वृद्ध विधवा माताओं को कंबल व तिल के लड्डू प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्रपट पर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक प्रवक्ता खगोल कृष्ण भारद्वाज ने अपने आशीर्वचन व्यक्त करते हुए कहा कि सर्दी के इस बर्फीले मौसम में निर्धन वृद्ध और विधवा माताओं को कंबल सेवा का सम्मान करना सच्ची मानवता है, क्योंकि निर्धन उम्रदराज और विधवा माताओं का जीवन बहुत अभाव से गुजरा होता है। ऐसे वक्त पर संस्था द्वारा किया गया अतुलनीय प्रयास अनुकरणीय है। कार्यक्रम आयोजिका संस्था सचिव श्रीमती रीता पाठक ने संस्था के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व घोषणा अनुसार चार चरणों के अंतर्गत शीतकालीन सत्र के दौरान तृतीय चरण में कच्ची बस्तियों में रहने वाली जरूरतमंद वृद्ध व विधवा माताओं के नाम पर घर घर जाकर सूचीबद्ध किए जाए ताकि सही मायने में जरूरतमंदों की सेवा हो। वृद्ध विधवा माता कंबल सेवा समारोह के अवसर पर अतिथि गणों में राजस्थान पुजारी परिषद के जयपुर शहर अध्यक्ष समाज सेवी कमलेश कुमार शर्मा और आवाज इंडिया न्यूज चैनल के चीफ एडिटर समाज सेवी आशीष तिवारी ने संयुक्त रूप से अपने वक्तव्य में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए शहर भर के भामाशाहों से संस्था के अनुपम कार्यों में अपनी सहभागिता की अपील की। इस अवसर पर समाज सेवी आलोक सर्राफ, डॉक्टर सुनील तंबर, सुरेश गुप्ता, समाज सेवी कमलेश शर्मा, मंजू गोयल, आशीष तिवारी, अंजलि अग्रवाल, गुड्डी रानी, कोमल चंद गोयल, सुभाष जोशी, रिंकू कमलेश कुमारी आदि उपस्थित थे। बता दें, सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था द्वारा 101 जरूरतमंद वृद्ध विधवा माताओं को कंबल व मिष्ठान प्रदान करते आध्यात्मिक प्रवक्ता खगोल कृष्ण भारद्वाज व कार्यक्रम आयोजिका संस्था सचिव श्रीमती रीता पाठक व मंचासीन अतिथिगण। कृष्णम वंदे जगतगुरुम। आज जयपुर छोटी काशी जो कि अध्यात्म नगरी से विख्यात है, जयपुर के इस परम धाम में गोपालपुरा बाईपास रोड स्थित त्रिवेणी नगर के इस प्रांगण में गत 13 वर्षों से संचालित निशुल्क शिक्षार्थ सेवार्थ गरीब बच्चों के हित में काम करने वाली संस्था और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मसम्मान प्रदान करने वाली संस्था राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त और शहर के द्वारा समय समय पर उत्साह बढ़ाने वाले ऐसी गत वर्षों से संचालित संस्था सचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था के तत्वावधान में और संस्था की संस्थापक सचिव श्रीमती रीता पाठक के नेतृत्व में आज हम सभी अतिथिगण हमारी त्रिवेणी नगर की माताओं के वृद्ध माताओं को आज इस महत्वपूर्ण पर्व पर कंबल वितरण किया और साथ में मिष्ठान भी वितरण किया और संस्था के द्वारा साल में समय समय पर पर्व त्योहारों पर बच्चों को स्वेटर प्रदान करना, वृद्ध माताओं को कंबल वितरण करना, निर्धन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रदान कराना, तमाम अध्यात्म जगत के सारे कार्यक्रम आयोजित करना शहर में सभी के सहयोग से हो रहे हैं और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमारी वृद्ध माताओं को हमारी संस्था द्वारा ये कंबल वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी अतिथिगण श्रीमान कमलेश शर्मा जी राजस्थान पुजारी परिषद के, हमारे मंजू गोयल जी समाज सेविका वैशाली नगर से, आशीष तिवारी जी प्रधान संपादक आवाज़ इंडिया और इस समारोह को एक सेविका के रूप में संभालने वाली श्रीमती गुड्डी रानी और उनके समस्त कार्यकर्ता, सभी संस्था के परिकर के लोग। तो पुनः मैं माताओं को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि समय पर आकर के इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप प्रदान किया और भगवान हमको शक्ति प्रदान करें। तो संस्थापक सचिव रीता पाठक के नेतृत्व में हम ये आगे और कार्यक्रम करें, ऐसे भगवान हमको शक्ति दे, ऐसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आज ये जो प्रोग्राम किया, इसके बारे में आगे क्या कहना है? देखिए सर, ये क्या है, पहले तो मैं आपकी आवाज़ इंडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम को पूरा कवर कर रहा है। मेरा आज ये प्रोग्राम करने का, ये हमारी सर्दी का तृतीय चरण था। पहले हमने बच्चों को स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फिर उनको कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब की बार ये तीसरा चरण था जिसमें हमने 50 साल से ऊपर की वृद्ध माताओं को लिया है, जिनमें हम लोग सभी लोगों को गर्म कंबल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा चौथा चरण बहुत जल्दी 10-15 दिन बाद वापस से होगा, जो हमारे पास पंजीयन हुए हैं। आज हमने 101 माताओं का पंजीयन किया था, बट कुछ माताओं के और भी हमारे पास आए हैं नाम जिनको हम नहीं दे पाए हैं। तो हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हम 10-15 दिनों में, अगर हमें जयपुर के कुछ भामा से हमको सपोर्ट करते हैं, तो हम 5 दिन बाद वापस से उनके लिए ये चतुर्थ
चरण का प्रोग्राम आयोजित करेंगे, बस यही कहना चाहेंगे। आज तो न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप भामाशाहों को? मैं भामाशाहों से कहना चाह रही हूँ ये कि आप ना इन लोगों के जरूरतमंद के लिए सामने आना चाहिए। उन लोगों को होता क्या है, लोग बड़े बड़े मंचों पर चले जाते हैं, डेकोरम में चले जाते हैं, नृत्यों के प्रोग्रामों में चले जाते हैं, गरीब तबके तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, ऊपर का ऊपरी बढ़ जाता पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ग्राउंड पे जाके उन लोगों को काम करना चाहिए, और जो बहुत निचले तबके की संस्थाएं हैं जो रियल में काम कर रही हैं उनको जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे।